के गौ माता भूमि सड़कन पर भारत की और जय निशानी है ए मो नामी शेर का पानी है। किसी के खेत में लग गई फसल खा रही है तो किसान आया और मार करके वहां से गौ मां को भगा दिया। और ये गौ मां इंसान जब तक दूध दिया तब तक अपने घर पे रखा, खूंटी पर बांध करके चारा डाला प्रेम से। और जब ये दूध जब छुटाई पैसे ढील दी। और जब वो ही अगर आपकी फसल में जब लगती है तो मारते हैं। कहां गौ मां के अंदर देवी देवताओं का पास बताया है और फिर भी इंसान गौ मैया कुछ पहले समय कटघर में मैया छोड़ दई और कुतिया बनी महलन की रानी है यमुना में शहर का पानी है। कहां जा गौ मां को पालने वाला इंसान वो कुतियों को पालता है और इज्जत के साथ में जान लेटता है अपने बिस्तर पर कुत्ता और कुतियों को लेटाते हैं। मैंने देखा है गाड़ियों में कुत्ता जाते हुए, क्या बताऊं इतना समय बदल गया है, इतना सोचा भी नहीं था इंसान ने। गौ मां की सेवा छोड़ दई जो हमारी नौजवान की पीढ़ी आ रही है, मैंने देखा है पता नहीं माँ बाप खिलाते हैं पिलाते हैं बहुत मेहनत करते हैं बालक के लिए, लेकिन बालक गलत रास्ता में भटक गया। माँ बाप कहते हैं मेरा लाला मुझे आगे चल के सुख देगा, लेकिन नहीं। परीक्षित महाराज खुद अपना मार्ग भूल गए, खुद अपना मार्ग भूल गए।
बाप मैं ताई है सोचत लामाओ पढ़ लिख जाइए एम काउ लग जाइए नौकरी में जिंदगी हमारी सुधर जाइए पल्ले के लड़कन को नहीं मालूम लड़का चाह तो शादी हो जाए माँ बाप को आस लगी हुई है मेरी जिंदगी सुधर जाएगा अगर पढ़ लिख कर कहूं लग गई चिपक गई है पर लड़का लड़कों के साथ में गलत संगत में बिगड़ जाता है क्या बताऊं कुछ इंसान ऐसे हैं पतिव्रता स्त्री घर में बहुत दुखी रहती है परेशान रहती है पर लेकिन उन्हें बारिश से ही फुर्सत नहीं मिलती मैंने लिखा है देख करके ये जवाने के तौर पर सब लोग बोलेंगे ताली बजा करके कीर्तन